हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग पैडागोलॉजी और आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन इंडिविजुअल डिफरेंसेस जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं हमारे सभी के बीच में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं भाई बहन सिबलिंगस भी एक दूसरे से अलग होते हैं उनके इंटरेस्ट अलग इंटरेस्ट uh, एरियाज अलग अलग होते हैं इवन जो ट्विंस होते हैं जो आइडेंटिकल ट्विंस भी होते हैं उनके भी इंटरेस्ट उनकी हैबिट्स सब कुछ अलग अलग होती है तो इन ये जो हमारे बीच में डिफरेंसेस हैं जो वेरिएशनस हैं इसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं तो एजुकेशनिस्ट साइकोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी करी रिसर्च करी और कंक्लूड किया कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो आइए हम एक एक करके जानते हैं कि हेरिडिटी है और एनवायरनमेंट किस तरीके से इंडिविजुअल डिफरेंसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं सो वट इज़ हेरिडिटी अ कैट गिवस बर्थ टू अ किटन सॉरी सॉरी गाइज यहाँ पर कैट की जगह चाइल्ड लिख दिया गया है अ कैट गिव बर्थ टू अ अटन अकाव टू अ काफ एंड अ ह्यूमन बींग टू अ बेबी जैसे कि हम सबको पता है कि सब जो हैं अपने यंग वंस को बर्थ करते हैं जन्म <coughs> जन्म देते हैं द member ऑफ ईच ऑफ द स्पीशीज़ resemble वन another and possesses characteristics कॉमन टू their respective स्पीशीज़ जैसे कि बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह ही होगा गाय का बच्चा गाय की तरह ही होगा और ह्यूमन being का बच्चा ह्यूमन being की तरह ही होगा क्योंकि उनके अंदर उनकी स्पीशीज़ के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं लेकिन उसके बावजूद अगर हम स्पीशीज़ में चले जाएँ तो सारी कैट्स जो हैं वो एक जैसी नहीं होंगी स्पीशीज़ में अलग अलग डिफरेंस होंगे सारे जो काउ के बच्चे हैं वो एक जैसे नहीं होंगे तो ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे शेप को हमारी बॉडी को एक दूसरे से अलग करती है हम एक स्पीशीज़ के है, मेंबर हैं लेकिन फिर भी हमारे बीच डिफरेंसेस हैं जैसे कि हम सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं लेकिन सब जो हैं अपने में अलग हैं किसी को किसी ना किसी मायने में कोई बिल्कुल सेम भी दिखता होगा लेकिन उनके इंटरेस्ट एरियाज उनकी हैबिट्स उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी जगह हमारा हम डिफरेंसेस देख सकते हैं तो सबसे बड़ा कारण होता है हेरिडिटी हेरिडिटी जो होता है वो क्या होता है कि जो हम अपने पेरेंट्स से और अपने फोर फादर से जो हमें ट्रैट्स मिलते हैं वो होते हैं हेरिडिटी तो हेरिडिटी का रोल क्या होता है जो हमें अपने पेरेंट्स जो हमें हम अपने फोर फादर से जीन्स uh, के थ्रू हमें जो चीज़ें मिल जाती हैं कई बार ऐसा होता है हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं हमारे जो इंटरेस्ट एरियाज़ होते हैं वो हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं हमारे एंगर इश्यूज हमारे एनजाइटी इश्यूज जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स की तरह होते हैं कई बार हमारा कॉग्निटिव लेवल इंटेलेक्चुअल लेवल हमारी जो फ़िज़िकल हाइट वेट जो होता है वो हमारी फैमिली मेम्बर्स के ऊपर चला जाता है दूसरी चीज आपने ये देखी होगी कि जो एक बच्चा है वो अपने भाई से बहन से पेरेंट्स से ग्रैंडफादर से इन सब से रिजेंबल करता है इन सब से रिलेट करता है क्यों क्योंकि हेरिडिटी में उसको उनसे जीन्स मिले हैं ब्लड रिलेशन है इनसे ही उसकी शक्लें मिलेंगी इनसे ही उसके जो क्या होंगे गुण मिलेंगे आदतें मिलेंगी किसी दूसरे से नहीं मिलेंगी जिसका उसका फैमिली रिलेशन नहीं होगा तो ये सबसे बड़ा रीजन है कि हेरिडिटी जो है वो एक इंडिविजुअल डिफरेंस जनरेट करता है इसके अलावा हेरिडिटी का और क्या रोल है हेरिडिटी डिटरमाइंस चाइल्ड वेरी इम्पॉर्टेंट मदर के और फादर के जो जीन्स होते हैं उनसे जो है वो सेक्स uh, डिसाइड होता है बच्चे का हेरिडिटी कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टूवर्ड्स फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल अगर हमारे पेरेंट्स जो हैं उनकी हाइट है छोटी है तो हमारी भी हाइट छोटी होगी ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबली यही होता है अगर वो लम्बे हैं तो हम भी लंबे होंगे तो जो हमारी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी नाक कई बार ऐसे बोलते हैं ना कि बच्चे की नाक जो है वो पापा पे गई है बच्चे की आंखें जो हैं वो बड़ी बड़ी उसकी बुआ के ऊपर गई हैं ये क्यों होता है क्योंकि वो फैमिली की फैमिली जीन्स की वजह से होता है जो उसे हेरिडिटी में मिला हुआ है कई बार आपने देखा होगा करली हेयर्स का कि दादी के भी करली हेयर्स होते हैं फिर पापा के भी होते हैं फिर आगे बच्चे के भी हो जाते हैं तो इस तरीके से फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो है वो हेरिडिटी कंट्रीब्यूट करता है ऑफ हेरिडिटी वर्ड दी बर्थ ऑफ़ ट्विन्स एंड रिलेटेड इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिल्कुल जो इंडि ट्रीम्स होते हैं वो उसका भी बहुत बड़ा कारण जो है हेरिडिटी ही होता है कि किस तरीके से जो फादर के जीन्स हैं वो आ, फादर की जो स्पर्म्स हैं वो फीमेल आ, आ, एग से मिलते हैं जाके इससे भी बहुत बड़ा रिलेशन होता है कि ट्विन्स होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं करता है तो तीन चीजें जो हैं वो हेरिडिटी डिटरमाइन करती है सेक्स ऑफ द चाइल्ड फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन एंड बर्थ ऑफ ट्विन अगली बात यह है वट इज़ एनवायरमेंट नाउ फ्राम द अवर डिस्कशन इट इज़ क्लियर दैट अ चाइल्ड इन हेरिडी ट्रैट्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स एंड फोर फादर थ्रो जीन्स एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन मतलब कि कंसेप्शन के टाइम पे ही जो है वो बच्चे को पेरेंट्स या फिर अपने पूर्वजों से जीन्स मिल जाते हैं ट्रैट्स मिल जाते हैं तो यहीं पर जो हैडिटी का रोल हो जाता है लेकिन उसके बाद क्या होता है <clears throat> उसके बाद हम एनवायरमेंट अपना रोल प्ले करती है एक बार जीन जीन्स के थ्रू बच्चे का सेक्स डिसाइड हो जाता है उसके बाद जो जयगॉट होता है वो एम्ब्रियो जो होता है वो माँ की पेट के अंदर चला जाता है उसके बाद जो है फोर्सेस ऑफ़ एनवायरमेंट बिगेम्स टू प्ले देयर रोल एंड इट आल्सो इन्फ्लुएंस दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ दी चाइल्ड जैसे कि अगर हम बोल सकते हैं कि जब माँ के पेट के अंदर बच्चा होता है कि किस तरीके का न्यूट्रिशन लेवल माँ ले रही है किस तरीके का भजन माँ बोला जाता है ना कि आ, गर्भ संस्कार कि गर्भ में ही अगर माँ अच्छे अच्छे संस्, संस्कार बच्चे को देगी तो बच्चा जो है वो सुन रहा होता है हमें अच्छा हम सोचते हैं कि माइथोलॉजिकल चीज़ें देखें हम बहुत सूदिंग म्यूजिक सुने ताकि जब माँ काम रहेगी तो बच्चा भी काम रहेगा तो ये जो चीज़ें हैं एनवायरमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही है बच्चे की ग्रोथ को देयर फ्रॉम द एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू नॉट ओनली व्हाट हैपन आफ्टर बर्थ इज़ इम्पॉर्टेंट बट ऑल्सो वट गोज ऑन इनसाइड दी वूम ऑफ द चाइल्ड आफ्टर कंसेप्शन हैज इक्वल सिग्निफिकेंस जैसे कि अभी मैंने डिटरमाइन बताया कि हेरिडिटी का रोल तब तक है जब तक जीन्स ट्रांसफ़र नहीं होते जैसे फादर के जीन्स मदर के पास गए एक उनका फर्टिलाइज एग हमारे पास तैयार हो गया उसके बाद तो जो बच्चे की जाइगॉट की जो डेवलपमेंट होती है वो किस पे चली जाती है एनवायरमेंट पे चली जाती है तो एनवायरमेंट जो है वो एक तो इंटरनल एनवायरमेंट हो गया जो मदर की होम के अंदर होगा बच्चे का और एक हो गया एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो बर्थ के बाद बच्चे को मिलेगा तो दोनों ही जो है वो हम एनवायरमेंट के अंदर डालेंगे और दोनों ही जो है वो बच्चे की ग्रोथ पे बच्चे की डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर करेंगे <क्षँ> तो दो तरीके के एनवायरमेंट अभी हमने पढ़े इंटरनल एनवायरमेंट जो बच्चे को मदर की आफ्टर uh, कंसेप्शन जो बच्चे को माँ की न्यूट्रिशन लेवल माँ की मेंटल हेल्थ से मिलता है वो भी एन्वायरमेंट फैक्टर में काउंट होगा एंड आफ्टर बर्थ जो एक्सटर्नल एन्वायरमेंट होगा जो कि बर्थ के बाद बच्चे को मिलेगा आफ्टर बर्थ द चाइल्ड इज एक्सपोज टू न्यूमरियस एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट आर प्योरली एक्सटर्नल अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो भी दो तरीके का होगा फिजिकल फोर्सेस एंड सोशल फोर्सेस फिजिकल फोर्सेस में क्या क्या आएगा फ़ूड वाटर क्लाइमेट फिजिकल एटमॉस्फेयर ऑफ दी स्कूल हाउस विलेज और सिटी द नेचुरल रिसोर्स अवेलेबल आर इंक्लूडेड इन दी फिजिकल फोर्सेज मतलब कि फूड uh, हो गया वाटर हो गया क्लाइमेट हो गया किस तरीके का फिजिकल एटमोसफेयर मिल रहा है स्कूल में घर में गाँव में शहर में क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ये भी बच्चे की आ, फिजिक एनवायरनमेंट को बच्चे के डिफरेंसेस को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है सेकंड जो है बाइल द पेरेंट मेंबर ऑफ द फैमिली फ्रेंड्स क्लासमेट्स नेबर्स टीचर्स एंड अ मेंबर ऑफ कम्युनिटी एंड सोसाइटी means of mass communication and recreation, religious places, clubs, libraries are included in दी social factors. तो ये जो चीज़ें हैं कि क्या हम कौन हमारे पेरेंट्स हैं कितने हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं बच्चा जो है वो अकेला ही है या बच्चे की सिबलिंग्स भी हैं बच्चे के फ्रेंड्स किस तरीके से हैं उसके क्लासमेट किस तरीके से हैं क्या उसका नेबर है क्या नेबर में वो कोई बच्चा है उसके साथ खेलने के लिए है कि नहीं है कितने बच्चे उसके साथ खेलते हैं टीचर्स का व्यवहार कैसा है उसके प्रति सोसाइटी का कैसा व्यवहार है किस तरीके की रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वो करता है क्या वो रिलीजियस प्लेसेस पे जाता है नहीं जाता है लाइब्रेरी जाता है नहीं जाता है? ये सारे फैक्टर्स मिलके जो है वो बच्चे की ग्रोथ पे बहुत इफ़ेक्ट करते हैं चलिए देखते हैं कि किस तरीके से रोल ऑफ एन्वायरमेंट डिटरमाइन करता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को As discussed earlier, heredity factors are transferred to the offspring at the time of their conception by the immediate parents through their respective chromosomes and genes. मैंने बताया heredity का जो heredity जो है वो कैसे determine करती है उसी time पे at the time of conception जो उसके parents होते हैं उनके chromosome और उनके genes जो हैं वो decide कर देते हैं बच्चे की ग्रोथ को कि बच्चे जो हमने डिसाइड किया कि बच्चे का सेक्स क्या होगा बच्चे की फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी तो ये जो है वो रोल ऑफ हेरिडिटी हो गया इन एक्चुअली द रोल ऑफ द हेरिडिटी एंड्स विद कंसेप्शन बिल्कुल व्हाट गज ऑन इनसाइड द दूम आफ्टर कंसेप्शन इज इंटरनल एनवायरमेंट मैंने बिल्कुल बोला जो हम वो उनके अंदर जो बच्चे को एन्वायरमेंट मिलेगा वो इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर काउंट होगा मतलब कि फ्रॉम द टाइम ऑफ द कंसेप्शन टिल नाइन मंथ जो होगा वो क्या होगा इंटरनल एनवायरमेंट होगा और ये भी बच्चे की हेल्थ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा अ फिटस गेट्स इट्स नरिशमेंट इन दी वोम इनडायरेक्टली थ्रू द मदर जो फिटस जो होता है जो बच्चा होता है अब मदर जिस तरीके का न्यूट्रिशन लेती है बच्चे को भी उसी तरीके का मिल जाता है तो ये बच्चे की हेल्थ को बच्चे की ग्रोथ को बिल्कुल अफेक्ट करेगा कितनी क्वांटिटी में मदर uh, डाइट ले रही है कितनी क्वालिटी में मदर कितनी क्वालिटेटिव डाइट मदर ले रही है इससे भी बच्चे की हेल्थ डिसाइड होती है अगर माँ जो है प्रेगनेंसी के दौरान टेंस है वरीड रहेगी इमोशनली अपसेट रहेगी तो इसके बहुत ही बुरे इफेक्ट जो है वो बच्चे की ग्रोथ पे पड़ते हैं और जितने ही माँ खुश रहेगी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनेगी आ, बोलते हैं ना कि प्रेगनेंसी के टाइम पे अच्छे अच्छे लोग पिक्चर्स लगा देते हैं भगवान कृष्ण भगवान की पिक्चर्स लगा देते हैं जिसका भी वो रोल मॉडल जिसकी तरह भी वो अपने बच्चे को बनाना चाहती हैं उस तरीके की पिक्चर्स जो हैं वो मदर्स अपनी रूम में डिस्प्ले करना शुरू कर देती हैं क्यों क्योंकि वो चाहती हैं क्योंकि ये जो इनडायरेक्टली जो है वो बच्चे की ग्रोथ पर बहुत इम्पेक्ट करते हैं कई बार आ, जो मदर्स होती हैं वो बहुत ही माइथोलॉजिकल सॉन्ग सुनती हैं बहुत ही रिलीजियस सॉन्ग uh, सुनती हैं ताकि वो चाहती हैं कि उनके बच्चे को गरबा संस्कार जिसको हम बोलते हैं कि पेट से ही जो है वो उनका बच्चा संस्कारों की तरफ जाने लग जाए दिस 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 इज़ द इम्पैक्ट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट। एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर दिया है इट इज़ एड डेट महाभारत यू नो अबाउट अभिमन्यू उन्होंने द आर्ट ऑफ एंट्री इन टू चक्रव्यू की किस तरीके से चक्रव्यू से बाहर निकला जाए ये जो है उन्होंने अपनी माँ की वो मतलब माँ की कोक के अंदर ही सीख लिया था तो ये बच्चे की जो लर्निंग है वो मदर की वोम से ही मदर की कोक से ही शुरू हो जाती है आफ्टर बर्थ ऑल थिंग्स रिलेटेड टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड बर्थ के बाद भी जित जो भी हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बच्चे की ग्रोथ को बच्चे की डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता ही है अच्छा इन्होंने बोला है कि वन में आर यू दैट द चाइल्ड ऑफ द सेम पेरेंट ऑफ द सेम फैमिली हैव द सेम एनवायरमेंट बट दिस इज़ नेवर पॉसिबल ये ऐसी कोई इन्होंने बोला कि कोई ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि सेम पेरेंट का सेम फैमिली का बच्चे जो होते हैं उनको सेम काइंड का एनवायरमेंट मिलता है तो इन्होंने बोला ऐसे नहीं हो सकता सपोज कि किसी माँ बाप के दो बच्चे हैं पहले लड़का हुआ उसके बाद लड़की हुई तो क्या आपको क्या लगता है कि दोनों को सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट uh, मिलेगा हो सकता है लड़के को स्पेशली इन इंडियन सोसाइटीज की लड़की को ज्यादा पैम्परिंग मिली हो लड़की को कम पैम्परिंग मिली हो इसके अपोजिट हम ये भी सोच सकते हैं कि लड़की जो है वो उस उस घर का सबसे छोटा बच्चा है तो उसको ज्यादा पैम्परिंग मिली हो तो और अगर मैं बोल रही हूँ कि दोनों को इक्वल सेम काइंड ऑफ लव भी मिला हो फिर भी काइंड ऑफ सेम हो सकता है लेकिन हम डिग्री में नहीं नाप सकते कि जितना प्यार इसको इतना टाइम और डिवोशन और लव पहले बच्चे को मिला है उतना ही दूसरे बच्चे को मिला है कई बार होता है पहले बच्चे की बहुत एक्साइटमेंट होती है कई बार ये होता है कि छोटा बच्चा है घर में तो इसकी सारी गलतियाँ माफ कर दी जाती हैं तो हम सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं दे सकते चाहे वो सेम पेरेंट का बच्चा हो सेम फैमिली से हो चाहे कोई कितना ही ट्राई कर ले इन्होंने बोला कोई भी माँ जो है वो ये क्लेम नहीं कर सकती कि वो अपने बच्चों को इक्वल अटेंशन दे रही है इक्वल केयर दे रही है इक्वल प्यार दे रही है माँ अपनी तरफ से इक्वल देती है लेकिन वो ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि क्योंकि इन, इन, हमारे नेचुरल डिफरेंसेस हैं जो हम एक बार किसी के साथ करेंगे वो दूसरी बार उतनी डिग्री में हम प्यार तो और केयर मेजर करके नहीं कर सकते इसी तरीके से इन्होंने सेम बोला है कि टीचर जो है वो सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट सारे बच्चों को नहीं दे सकती वैसे बींग अ टीचर मैं भी एक टीचर हूँ तो मैं हम ये बोलते हैं कि हम सारे बच्चों को क्लास में इक्वली ट्रीट करते हैं लेकिन ऐसा नहीं हो पाता इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हमें पता है कि इस बच्चे को ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है तो उस बच्चे पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं हमें पता है कि ये बच्चा मेरा काम कर लेगा तो उससे हम काम की एक्सपेक्टेशन करते हैं तो ऐसा नहीं होता हम इंडिविजुअल डिफरेंसिस होते हैं और उस बेसिस पे टीचर का ट्रीटमेंट भी जाता है मैं वो वाली ट्रीटमेंट की बात नहीं कर रही कि हम सबको अलग अलग नज़रों से करते ट्रीट करते हैं हम सबको इक्वली ट्रीट करते हैं लेकिन कुछ क्लास में बच्चे होते हैं जो जल्दी समझ पाते हैं तो टीचर को जब जल्दी से कुछ काम करवाना होता है तो हम सबसे पहले उन्हें उठाते हैं कुछ क्लास में बच्चे होते हैं जिन जिनको थोड़ा देर में समझ में आता है तो जब टीचर एक्सप्लेन कर रही होती है तो बार बार उनसे ही पूछती बेटा आपको समझ में आया कि नहीं आया तो येस इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता और वी तो देअर लाइज ट्रीमेंडियस एनर्जी एंड स्ट्रेंथ इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरमेंट फैक्टर विच कैन मोल्ड मेक और मार बिल्ड और डिस्ट्रॉय हेल्प और ऑब्स्ट्रक्ट एन इंडिविजुअल तो ये जो एनवायरमेंट होता है उसके अंदर बहुत एनर्जी है बहुत स्ट्रेंथ है जो किसी भी एक इंडिविजुअल को बना सकता है बिगाड़ सकता है उसकी हेल्प कर सकता है उसको बिल्कुल तबाह कर सकता है तो इन्होंने बोला कि हम एज अ इंडिविजुअल हम तो सिर्फ एक टॉय हैं हम एक प्रोडक्ट हैं एक विक्टिम हैं ऑफ़ दिस माइटी फोर्सेस मतलब कि सारा खेल जो है वो एक एनवायरमेंट ही जो है वो कर रहा है दिस इज वाई वैन टू चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट और इवन आइडेंटिकल ट्विंस आर ब्रॉट अप इन डिफरेंट एनवायरमेंट सेटअप दे मे टर्न अपू टू एंटायरली अपोजिट पर्सनैलिटीज येस अब हमने अगर मैं एक बात आपसे अभी शेयर हम करते हैं कि एक पेरेंट के दो आइडेंटिकल ट्विंस हैं मतलब दोनों सेम दिखने वाले ट्विंस हैं तो हेरिडिटी का तो ये इन्फ्लुएंस हो गया कि दोनों जो है वो सेम दिख रहे हैं अब इन्वायरमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है ये अब हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एक पे, एक ब, एक इंडियन पेरेंट ने दो आइडेंटिकल ट्विंस को पैदा किया एक पेरेंट एक बच्चा जो है वो पेरेंट्स के साथ बिहार में ही रह रहा है और एक बच्चा जो है वो यूएस चला गया तो आप देखेंगे कि बेशक वो आइडेंटिकल ट्रेन्स हैं लेकिन उनकी लैंग्वेज उनकी हैबिट्स उनके थॉट प्रोसेस जो होंगे वो सब कुछ अलग अलग हो जाएंगे क्यों क्योंकि एनवायरमेंट अलग है अगर आप एक चाइनीज़ बच्चे को इंडिया में ले आएंगे, पैदा होते पैदा होते इंडिया में ले आएंगे तो वो सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज सीखेगा चाइनीज़ की इंडियन इंडियन लैंग्वेज क्यों क्योंकि उसको एक्सपोजर ही इंडियन लैंग्वेज का मिला है बच्चा जो सुनता है वही बोलता है तो एनवायरमेंट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम बोलते हैं हम कई बार बोलते हैं ना हमारे बच्चे इतनी अच्छी इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाते जितने अंग्रेजों के बच्चे बोल पाते हैं क्योंकि वो उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है उनके घर पर भी इसी तरीके की लैंग्वेज uh, बोली जाती है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज अगर हमारी कोई रीजनल लैंग्वेज है हम भोजपुरी बोलते हैं तो हम हम बच्चों को भोजपुरी नहीं भी सिखाएंगे फिर भी उनको आ जाएगी क्यों क्योंकि एनवायरमेंट उनका इमीडिएट एनवायरमेंट उनके पेरेंट्स ही इस भाषा में बात कर रहे हैं हमारी इंग्लिश तो जाके थर्ड लैंग्वेज हो जाती है पहले वो घर पे रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं स्कूल में जाके हिंदी सीखेंगे फिर हम तो हमारी तीसरी लैंग्वेज इंग्लिश हो जाती है जो कि बच्चों को एक्चुअली सीखनी पड़ती है सीखने में यानी कि लर्न कर रहा है बच्चे उस लैंग्वेज को और एक्विजिशन में जो बच्चे को खुद ब खुद एनवायरमेंट के थ्रू मिल जाती है उसमें फ़र्क होता है जो अंग्रेजों के बच्चे होते हैं वो इंग्लिश को एक्विजिशन करते हैं उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश होती है क्योंकि पेरेंट्स उनका इमीडिएट एनवायरमेंट जो है वो इस तरीके की लैंग्वेज बोल रहा है लेकिन हमारे बच्चों के साथ वो नहीं होता है इसलिए उनकी इंग्लिश में हमेशा एक सेकेंड सेकेंड हैंड होता है इस तरीके से को, कोई भी अच्छा अच्छा अगर आदमी है जो बचपन में बहुत अच्छा है लेकिन अगर हम उसको बुरी कंपनी में रख दें तो वो बच्चा एक इनोसेंट बच्चा भी डेविल बन सकता है और अगर हम एक जो शरारती बच्चा है जो थोड़ा सा गंदी संगति में बचपन में चला गया लेकिन अगर हम उसको अच्छी बातें अच्छे इन्वायरमेंट में ले जाएं तो वो सुधर भी सकता है तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन एन्वायरमेंट एनवायरमेंट जो है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है चाहे आप वो लैंग्वेज से ले लीजिए चाहे आप वो इंटरेस्ट uh, से ले लीजिए एक अगर एक अपर क्लास में बच्चा पैदा हुआ है तो उसके इंटरेस्ट जो होंगे वो अलग होंगे uh, उसको बचपन से ही एक्सपोजर होगा सिनेमा का उसको एक्सपोजर होगा ही नो हाउ टू ओपन वीडियो गेम्स हाउ टू स्टार्ट टीवी हाउ टू स्टार्ट एसी क्योंकि उसको घर पे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं लेकिन अगर ये हम लोअर मिडल स्टार्टा लोअर क्लास के बच्चों की बात कर लें गाँव की बात कर लें उनको ये सब नहीं पता होगा कि ए कैसे ऑन करते हैं आ, एसी ए सी ऑन करना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन क्योंकि उनके एनवायरमेंट में नहीं है तो उनको नहीं पता चलेगा यही हम इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में भी कर सकते हैं इट्स नॉट अ बिग डील कोई भी बच्चा जो है वो सीख सकता है कोई भी नई चीज़ लेकिन डिपेंड करता है उसको किस तरीके का एनवायरनमेंट मिल रहा है अगर एक गरीब माँ बाप का बच्चा जिनके बच जिनके पहले दो बच्चे बहुत अच्छे नहीं पढ़ रहे हैं या बहुत अच्छी उनको परवरिश नहीं मिली है उनके तीसरे बच्चे को किसी अच्छे पेरेंट ने गोद ले लिया हो तो वो उसका यस हेरिडिटली कुछ इम्पैक्ट होगा हो सकता है कि वो बच्चा अपने आ, पेरेंट्स की तरह दिखे लेकिन जो उस बच्चे के नए पेरेंट्स होंगे वो बच्चा उनकी तरह बिहेव करेगा उनकी लैंग्वेज में बात करेगा उसके हैबिट्स उसके इंटरेस्ट उसके न्यू पेरेंट्स की तरह होंगे तो ये जो है इस तरीके से एनवायरमेंट जो है वो अपना डोमिनेंट रोल प्ले करती है तो अभी हमने जाना कि किस तरीके से हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को क्रिएट करती है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें थैंक यू